बट वो यूज नहीं होता है जस्ट रियक्शन को स्पीड अप करता है एक्टिवेशनर्जी को डिसीज करके आउटलाइन हमारी क्या होगी कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं की कैटलिस्ट ज है चेंज नहीं होता जस्ट हमें ट्रेस ऑफ अटल कैटलिस्ट रिक्वायर होता है पाउडर फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं केन नॉट इफेक्ट दियम ये इक्लेब्रियम इक्ब्रियम कॉन्स्टेंट यानी कि के सी को इफेक्ट नहीं करता केन नॉट स्टार्टिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता जस्ट उसे स्पीड अप करता है स्पेसिफिक इन एक्शन कैटलिस्ट अपने एक्शन में बहुत स्पेसिफिक होता है मतलब एक रिएक्शन के लिए हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो किसी दूसरे रिएक्शन में उस तरह से हेल्पफुल नहीं होगा हमारे लिए टेम्परेचर इफेक्ट कैटलिस्ट पर टेम्परेचर का catalytic poisoning. Catalytic poisoning क्या इफेक्ट होगा एंड नेक्स्ट इज द कैटेटिकॉइजनिंग कैटेटिक पॉइजनिंग क्या है Catalyst. Catalyst बहुत सारी टाइप्स हैं विच वेरी केमिकल कम्पोजिशन बट दीचर टू दम हम कुछ कॉमन फीचर्स देखते हैं कि कैटलिस्ट अनचेंज है मैस uh, और केमिकल कम्पोजिशन में कैटालिस्ट चेंज नहीं होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिएक्शन के एंड पेटलिस्ट का मैज नंबर वन इट्स मैस एंड नंबर टू इज इट्स कंपोजिशन कंपोजिशन चेंज नहीं होती इट मे नॉट रिमेन द सेम फिजिकल स्टेट हाइडर समटाइम्स ऐसे होता है कि इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल एम मेनो टू इज एडिड एज द टाइटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ के सी एल ओ थ्री अगर हम के सी एल ओ थ्री की डिकम्पोजिशन देखते हैं के सी एल ओ थ्री की डिकम्पोजिशन किस में होती है के सी एल प्लस ओ टू इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टू लगाते हैं यहाँ पर भी टू वन यहाँ पर भी थ्री ठीक है जब हम केस ले आ रहे होम्पोजिशन में किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं मैगनीज डाइऑक्साइड को एज अ केटल यूज करते हैं तो इट किस फॉर्म में डाल रहे हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स इट इज़ कन्वर्टेड फाइन पाउडर एट द एंड ऑफ रिएक्शन बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है It has been found that in many cases cases the shiny surface of solid catalyst become dull. Some granules granules like this बट समाइम्स यू भी हो सकता है उसकी शाइनी सर्फेस जो है वो डल हो जाए नेक्स्ट वी नीड अ ट्रेसिस्ट catalyst की वो इन इंड ट्रेस ऑफ मेटल समटाइम्स समय होता है कि हमें जस्ट एक ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है तो तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्ट्री लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टन को तो प्रोसीड करने के लिए जस्ट एक ट्रेस अमाउंट रिक्वायर्ड होती है फॉर एग्जाम्पल वन मिलीग्राम फाइन प्लाटीनियम पाउडर जस्ट हमें वन मिली फाइन प्लाटीनियम पाउडर को हम यूज करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं एस टू एंड ओ डो डो वाटर हम अगर एज टू प्लस

ये इन्हें कम्बाइंड ही होते हैं लेकिन जब हम ट्रेस अमाउंट ऑफ तो मॉइस्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो ये डेंस वाइट फ्यूम्स देते हैं अमोनियम क्लोराइड के विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा था लेकिन जब हमने कैटलिस्ट डाला तो हमें डेंस वाइट फ्यूम्स मिले थर्ड है थाउजेंड्स ऑफ डेसीमीटर डेसीमी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की थाउजेंड डेसीमी हमारी अमाउंट है तो हमने उसकी डिकम्पोजिशन करनी है किससे करेंगे वन ग्राम ऑफ क्लाइड क्लाइडल प्लाटीनियम जस्ट वन ग्राम ऑफ क्लाइडल प्लाटीनियम है वो थाउजेंड ऐसी डिकम्पोजिशन कर सकता है एच टू ओ टू क्या है इट इज अ कलरलेस लेस ये कैसे होता है कलरलेस लिक्वड होता है हाइड्रोजन परोक्साइड और बिटर इन टेस्ट होता है नेक्स्ट है थर्ड है इज इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट प्रेजेंट इन अ फाइनली फाइनली डिवाइडेड डिवाइडेड फॉर्म फॉर्म जब में प्रेजेंट होता है पाउडर फॉर्म में होता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्यों क्योंकि नंबर वन तो क्या होता है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ये हमें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया लार्ज सरफेस एरिया होगा तो मतलब ज्यादा एक्टिव साइड्स होंगी ज़्यादा एक्टिव होंगी, ज़्यादा ज़्यादा होगी, collion ज्यादा होगी, तो क्या होगा रिएक्शन 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 प्रोसीड, ज़्यादा होगा, अच्छे से पास एक लंप है एक कोई टुकड़ा है लाइक like दिस इस तरह का एक हमारे पास टुकड़ा प्लाटीनियम का और एक पाउडर फॉर्म में प्लाटीनियम है तो वो कौन सा उसमें से ज्यादा बेटर होगा लंबो प्लेटीनियम की लेस कैटालिटिक एक्टिविटी है एज कम्पेयर टू लाइक फॉर्म इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल फाइनली डिवाइडेड निकल इज डिडल जब हम लोग वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसमें हम एज अ कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड निकल या जिसे हम रेने निकल कहते हैं उसे भी यूज करते हैं uh, रेने निकल नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अ कैटालिस्ट कैन नॉट इफेक्ट द दियम कांस्टेंट कैटलिस्ट जो है वो इकल्यूबरियम कॉन्सटेंट को इफेक्ट नहीं करता के सी को इफेक्ट नहीं करता के सी क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है रिएक्शन बट इट येल्प करता है लेकिन उसको इफेक्ट नहीं करता इसलिए कहते हैं रेट ऑफ फॉर्वर्ड एंड बैकवर्ड इनक्रीज इक्वली फॉर्वर्ड एंड बैकवर्ड स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं बट उन्हें कोई इफेक्ट नहीं करता उनकी स्पीड को इंक्रीज करता है जस्ट अकेटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शनिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता ज नॉट थर्मोडाइनिकली फिजिबल वो रिएक्शन जो थर्मोडाइनमिकली फिजिबल नहीं है उन्हें कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता उन्हें स्टार्ट नहीं करता नाउ कंसिडर डेट अटलिस्ट कैन अ रिएक्शन। कैटलिस्ट अब ये सोचा जा रहा है इस बात पर काम हो रहा है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है द मकैनिज्म ऑफ अ कैटेलाइज रिएक्शन अब हमारे पास एक कैटेलाइज रिएक्शन है और एक अनकैटेलाइज रिएक्शन है दोनों का मकैनिज्म डिफरेंस होगा क्या डिफरेंस होगा देखते हैं कैटेलाइज रिएक्शन जो होगा ना वो स्पीडली हो जाएगा स्पीडी होगा जबकि जो अनकेटलाइज रिएक्शन है वो स्लोली प्रोसीड होगा वो स्लोली होगा अच्छा नेक्स्ट कैटलाइज रिएक्शन जो है इसमें क्या होगा लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी जबकि अनकेटेलाइज रिएक्शन है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी

इफ डिफरेंट कैटलिस्ट यूज पर द सेम रिएक्टेंट अगर हमारे पास सेम रिएक्टेंट है और हाँ उनके लिए सेम रिएक्टेंट है बट हम कैटलिस्ट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा वह मतलब इस बात का हमारे पास हमारा जो रिएक्टेंट है दो रिएक्शंस हम देख रहे हैं उनके रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास सेम है रिएक्टेंट्स बट डिफरेंस कहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं उनके कैटालिस्ट में हमने क्या किया कैटालिस्ट को डिफरेंट रख दिया हमने डिफर कर दिया सो so, अब क्या होगा रिएक्टेंट तो सेम थे दोनों अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना प्रोडक्ट पी बनेगा वो भी डिफरेंट होगा कैसे हम इसको देखते हैं हम फॉर्मिक एसिड इज डिकम्पोज हम फॉर्मिक एसिड की डिकम्पोजिशन देखते हैं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है एच सी इसको हम डिकम्पोज करें एलुमिनियम ट्राईड के साथ तो ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है एच टू एंड सी ओ वाटर एंड कार्बन मोनोक्साइड जब हमने क्या यूज किया एलुमिनियम ट्राई को यूज किया तो ये वाटर और कार्बन मोनोक्साइड में डिकम्पोज होता है वाइट कॉपर काज इट्स डिकम्पोजिशन टू एच टू एंड सी ओ टू एच टू प्लस आना था यहाँ पे प्लस इसको हम सही करते हैं इधर लिखेंगे हाँ प्लस ठीक है जब हमने फार्मिक एसिड की डिकम्पोजिशन की कॉपर से तो हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो इसे हम देखते हैं कि जब हमने एक कैटलिस्ट को एक रिएक्शन के लिए यूज़ किया और वो उसमें हमें रिजल्ट दे रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही कैटलिस्ट हमें किसी दूसरे रिएक्शन में भी उसी तरह से रिजल्ट दे सेकेंड बातें तो में हमने क्या था कि, कि अगर हम सेम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं दो रिएक्शन करवा रहे हैं उनका रिएक्टेंट हमने सेम रखा लेकिन हमने क्या किया केटलिस चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट भी हमारा चेंज होगा एग्जाम्पल हमारे पास है पॉमिक एसिड की जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड के साथ तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिल रही है जबकि जब, जब हम कॉपर के साथ करते हैं तो हमें इसकी डिकम्पोजिशन में क्या मिल रहा है हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर इफेक्ट दैपेटिक्स की क्या है टेम्परेचर इफेक्ट द रोलिस्ट टेम्परेचर इफेक्ट करता हैिजिकली चेंज हो जाते हैं कैटलिस्ट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उनकी कैटलिटिक पावर डिक्रीज हो जाती है फिजिकल चेंज आता है नेक्स्ट इनकी पावर डिक्रीज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल क्लाइडल कैटलिस्ट लाइक प्लाटीनियम में बी कॉगुलेटेड विद राइज इन टेम्परेचर क्या मतलब इस बात का देखते हैं क्लाइडल कैटलिस्ट जो है जो लाइक के फॉर्म में है वो कॉगुलेट हो जाती है विद रॉइज इन टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाती है कैटलेटिक प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ फॉरन सब्सट कैटलीटिक पॉइजनिंग क्या होती है कैटलिस्ट हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम नहीं करता नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है कैटलिस्ट नेगेटिव इफेक्ट देता है तो वो हमारा रिएक्शन बिल्कुल ख़राब कर देता है इस प्रोसेस को कहते हैं कैटलिटिक पॉइजनिंग मतलब कैटलिस्ट अगर पॉइजन वर्क कर रहा है ये किस वाइज होती है जब कोई भी ट्रेस अमाउंट में फॉरन सब्सटांसिस कोई भी फॉरन सब्सटांस हो इवन इन द ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट हो वो उन्हें इनफेक्टिव बना देते हैं कैटलिस्ट को इनफेक्टिव बना देते हैं इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉइजंस द पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट और परमानेंट सम टाइम पॉइजनिंग मेंरी होती है एंड सम टाइम इट में भी परमानेंट परमानेंट पॉइजनिंग को अगर हम देखें तो पॉइजन रिएक्ट केमिकली विद द कैटलिस्ट परमानेंट्स में केमिकली रिएक्ट करता है कैटलिस्ट के साथ द कम्पाउंड एंड आर्सैनिक बिहेव एज आ पॉइंजन सल्फर के कुछ कंपाउंड या आरसैनिक के कुछ कंपाउंड प्रेजेंट हो तो वो एज अटलिस्ट एक्ट करते हैं सल्फर या आरसैनिक के कुछ कम्पाउंड प्रेजेंट हों वो एज अ पॉइजन बिहेव करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्राइजस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी हमारे पास क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एज इम्प्योरिटी है हमारे पास विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ या डिक्रीज दटिलिटी की एक्टिविटी ऑफ दटलिस्ट इन हार्बर्स प्रोसेस मैनुफैक्चर ऑफ हम अच्छा हम हमें देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें है कि हार्बर प्रोसेस जैसे कि हमें पता है इससे हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं नाइट्रोजन उसके लिए रिक्वायर्ड होती है हाइड्रोजन रिक्वायर है एंड हमारे पास बन जाता है एन एच थ्री हम रिएक्शन को अपने को बैलेंस करते हैं इक्वेशन पर थ्री एंड हेयर टू ये है हमारे पास फाइबर प्रोसेस के थ्रो तो, अमोनिया की मैनुफैक्चर की मैनुफैक्चरिंग लेकिन अब क्या होता है अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए एज एन इम्प्योरिटी कैटलिस्ट के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाए तो ये क्या करती है हाइड्रोजन की कैटलिटी एक्टिविटी विद हाइड्रोजन सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ आ जाती है हमने हाइड्रोजन से लिया कुछ अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड की भी आ जा रही है तो वो जो हमने कैटल्स यहाँ पे यूज़ किया था ना उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगी सेकेंड है द मैनुफैक्चर ऑफ एच टू एस ओ फोर इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस अब हम देखते हैं मैनुफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैनुफैक्चरिंग कर रहे थे तो उसमें हमें प्लाटीनियम एज अ कैटलिस्ट रिक्वायर होता है प्लाटीनियम हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं बट जब की अमाउंट प्रेजेंट होती है और वो कुछ कोई भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है और वो हमारे रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो क्या होगी इम्प्योरिटी होगी ट्रेस ऑफ आरसैनिक प्रेजेंट एज एम्प्योरिटी इन रिएक्टिंग जैसे इसमें प्लाटीनियम इनफेक्टिव हमारा कैटलिस्ट आरसैनिक की मौजूदगी के वजह से इनफेक्टिव हो गया इसी वजह से हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आर्सैनिक प्योरीफायर्स यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ़र की मैनुफैक्चरिंग करते हैं इसमें हमें सल्फर रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट स्टेप में एंड ऑक्सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बनता है सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट हम क्या करते है? हैं सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ ताकि हमें मिल सके सल्फर ट्राई बैलेंस कर लेते हैं हम अपने इक्वेशन को uh, अब अब क्या होता है सल्फर ट्राई जो है एस ओ थ्री हम क्या करते हैं हम वो भी तो कर सकते हैं ना सल्फर ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन करवाए हम वाटर के साथ और एच टू देखें मतलब देखें एच टू ओ और ये हमारे पास बन गया एच टू ओ एस ओ फोर बट इस तरह से हम ये रिएक्शन नहीं करते क्यों नहीं करते इस तरह से करेंगे ना तो ओ, ओ, जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा ये काफ़ी फ्यूमिंग फॉर्म में होगा और फोक बनेगी पर वो बेटर नहीं होगा सो हम इसमें क्या करते हैं जो हमारे पास सल्फर प्राइक्साइड बना है एस उसका रिएक्शन हम करवाते हैं पहले एच फोर के साथ कुछ जो हमारे पास प्रेजेंट होती है एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन टू है उससे हमारे पास क्या बन गया एच टू एस टू ओ फोर सॉरी ओ सेवन बनेगा ओ फोर ओ सेवन ठीक है अब इसमें हमने ये क्या होता है ओलियम कहते हैं इसको एच टू एस टू ओ सेवन को हम क्या कहते हैं ओलियम इसमें क्या होता है ये इसका जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे एक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कन्वर्ट होगा ये एच टू एस ओ फोर एसिड में ठीक है यहाँ तक हमने देखा था यहाँ तक हमने देख ली है करेक्टरिस्टिक्स कैटलिस्ट की सारी आर टोटल आर करैक्टरिस्टिक्स है अगर हम दोबारा से उन्हें रिव्यू करते हैं स्टार्ट से आउटलाइन में जाके कि हमने कौन कौन सी देखी है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज ठीक है हमने यहाँ पर देखा उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती वो अनचेंज रहती है हाँ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है सेकंड हमने देखी थी ट्रेस ऑफ मेटल कैटलिस्ट रिवर्ड है इवन माइन्यूट क्वांटिटी भी बहुत सारे रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकती है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म प्लाइडर उनकी सॉरी क्लाइडर नहीं लम लंक, लम की बजाय पाउडर फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होता है नेक्स्ट हमने देखी थी फोर्थ में कैन नॉट इफेक्ट दिवीवरियम कॉन्सटेंट ये इक्वरियम कॉन्सटेंट को इफेक्ट नहीं करता जस्ट उसको स्पीड अप कर सकता है स्पीड अप करता है जस्ट कैन नॉट स्टार्ट आ रिएक्शन हमने कहा रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता स्पेसिफिक है अपने एक्शन में जो कैटलिस्ट जिस रिएक्टेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी में हेल्पफुल होगा किसी दूसरे रिएक्शन में सेम उस तरह का रिजल्ट नहीं देगा टेम्परेचर इफेक्ट करेगा उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा कैटलिटिक पॉइजनिंग होती है कोई भी फॉरन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो एज अ पॉइजन एक्ट करता है ठीक है आई होप यू विल अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर वॉचिंग